नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। 16 जुलाई को दो व्यापारियों से 40-40 लाख रुपए की फिरौती की मांग के मामले में अरनूद पुलिस टीम की ओर से गिरफ्तार किए गए एक व्यापारी के दामाद को पुलिस मौका तस्दीक करवाने के लिए बाजार में पैदल ही लेकर गई। इसके पीछे पुलिस का मैसेज यह भी था कि ऐसे अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस पर विश्वास रखें और निर्भय होकर शांतिपूर्ण जीवन जिएं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस शुरू से ही बेहद एक्टिव नजर आई थी। अरनूद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 18 घंटे के भीतर ही मामले में व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देने वाले मुख्य अभियुक्त देवलदी निवासी अब्बास खान को गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस रिमांड पर पूछताछ में बताया कि किराना व्यापारी राजकुमार पुत्र भगवती लाल नाई का जमाई जाजली निवासी दिनेश और जीतू पुत्र मोहन लाल सेन ही इस मामले का मास्टरमाइंड है। इस पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मौका तस्दीक करवाने के लिए ही अभियुक्त दिनेश को बाजार में पैदल ही लेकर गई। थाना अरनोद पे गत दिनों विक्की सोनी के ऊपर हमला करके और उसे गोली से मार देने की धमकी देकर वसूली की एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में एक आरोपी अब्बास को पहले गिरफ्तार किया था। गहनता से अनुसंधान करने के उपरांत ये सामने आया कि अब्बास का मित्र जीतू सेन, जो नाई की दुकान चलाता है कस्बे में, उक्त वारदात को अंजाम कर देने के लिए षड्यंत्र जीतू तथा अब्बास और उनका एक साथी जहीर है, इन तीनों ने षड्यंत्र रचा था। अतः आज जीतू को गिरफ्तार किया गया है और उससे अनुसंधान संपन्न किया गया। दौरान अनुसंधान मौका तस्दीक व अन्य अहम सबूत पत्रावली को लाए गए।